प्रणाम दी। प्रणाम भैया। कहाँ से आओ तनी भैया, कहाँ जा तनी? कुछ ना दीदी, तनी जात नहीं बजा आता, सोचने कि दीदी से तनी मिल ली। अच्छा दीदी, कोनो मीटिंग वोटिंग बा का? ना भैया, मीटिंग वोटिंग में नखे जाए के का हो, जरूर बाजार जतन। अरे दीदी, हमारा खेत में सब पीला पीला हो गई बा और कीड़ा मकोड़ा लग गया बा सर। सोचत तो रही है जे रासायनिक खाद ना डाली, लेकिन अब पता चलता कि रासायनिक खाद डाल ही के पड़ी। का भैया रोवा, रासायनिक खाद दे हम जीव जीव मीट के घोल बनाओ के बता देव रोवा, छिड़काव कर देव, फसल हरा भरा रहे। हाँ दीदी, चल तनी बता दी। बताओ तन। अच्छा दीदी, बताओ से पहले तनी अपन परिचय दे दी। हमार नाम श्रीमती देवी, घर उपन छाप, प्रखंड बरौली, जिला गोपालगंज, गुलाब सम गुलाब जीविका स्वयं सहायता के अध्यक्ष हैं, संगम संगम जीविका महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष हैं। चल भैया रोवा के जी मीट के घोल बनाओ के जौन जौन सामान लगल तुम रो के हम बताओ तनी। देखी भैया, जी मीट बनाओ खातिर, घोल बनाओ खातिर 20 लीटर पानी चाहिए सादा। भैया ये 5 कट्ठा खातिर 20 लीटर पानी बा। अच्छा दीदी, 5 कट्ठा खातिर 20 लीटर पानी बा। प्लास्टिक के बाल्टी ना होके 20 लीटर के तो? प्लास्टिक के बाल्टी ना होके तो ना दे जोन कहला वो ना धोके, अच्छा है गाढ़ा खोन के मैं प्लास्टिक डाल के वो में घोल हो जा सकता। देसी गाय के 2 लीटर गौमूत्र। अच्छा दीदी, देसी गाय के गौमूत्र ना मिले तब? देसी गाय के जब मूत्र ना मिले तो देसी भैंस के मूत्र से हो जाए। देसी गाय देसी भैंस के मूत्र ना मिले तो मैं देसी बैलों के मूत्र डाल सकते नहीं? हाँ, 200 ग्राम मीठा लगी। अच्छा दीदी, मीठा ना होके तो? यदि मीठा ना होके तो मीठा फल जोन केला कहला, आम कहला, आए थी पपीता, ओकरा के निकाल के निचोड़ के डाल सकता। देखिए भैया, भाई 200 ग्राम बेसन लगी। अच्छा दीदी, में 200 ग्राम बेसन लगी? हाँ। देखिए भैया, मेड़ के मिट्टी लगी। अच्छा दीदी, में मेड़ के मिट्टी कितना लगी? एक मुट्ठी के चौथाई भाग मिट्टी लगी। अच्छा दीदी, भाई देसी गाय के 2 किलो गोबर लगी। अच्छा दीदी, देसी गाय के 2 किलो गोबर ना मिले तब? देसी गाय के गोबर ना मिली तो देसी भैंसों के या चाहे बैलों के गोबर से हो सकता। अच्छा दीदी, गोल ढाके खातिर जूट का बोरा और गोल मिलावे खातिर डंडा। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी, सामान तो वो बता दनी, अब एक विधि तनी बता दीजिए कि तो बनेला। चलिए भैया, मैं बनावे के विधि रह के हम बता देता नहीं। पहले देखी भैया, गोबर मिलाओ करी। ठीक है दीदी। अच्छा दीदी, सबका सब पहले मैं देसी गाय के गोबर मिलाओ जी। हाँ ठीक है दीदी। देखी भैया, 200 ग्राम मीठा इसमें डाल के परी। अच्छा दीदी, ये घोल में मीठा डालला से का फायदा बा? मीठा मिलावला से जीवाणु के शक्ति मिलेला। अच्छा दीदी, हाँ ये 2 लीटर गौमूत्र मिलाओ तनी। ये गौमूत्र मिलाने से का फायदा हुई? गौमूत्र मिलावे से फसल में कोनो रोग ना हुई। अच्छा दीदी, गौमूत्र मिलाने से मैं फसल में कीड़ा ना लगी, ऐसे रोग मुक्त हो जाए। हाँ, 200 ग्राम बेसन। बेसनो मिलावल जाए? हाँ। बेसन मिलावला से का फायदा है दीदी? बेसन मिलावला से जियाड़ू के शक्ति मिलेला, भोजन मिलेला। अच्छा दीदी, में बेसन मिलावला से जीवाणु बढ़ेला से में भोजनो मिलेला? हाँ, एक मुट्ठी में हम 4 भाग कर दानी। अच्छा दीदी, मेड़ के मिट्टी में 1 मुट्ठी में 4 भाग कर दानी? हाँ, एमे 1 मुट्ठी पड़ी। ठीक बा दीदी। देखिए बाबा, 1 मुट्ठी में 4 भाग को के आ एक चौथाई भाग डालता नहीं। अच्छा दीदी, एक मेड़ के मिट्टी डालला से का फायदा हुई? मेड़ के मिट्टी से जीवाणु बढ़े लसो। अच्छा दीदी, मेड़ के मिट्टी डालला से में जीवाणु बढ़े लसो? हाँ। खाली में मेड़ के मिट्टी क्या है पड़ी, खेत के मिट्टी क्या है ना पड़ी?
मेड़ के मिट्टी में रासायनिक खाद ना होला आ खेत के मिट्टी में रासायनिक खाद होला। अच्छा दीदी, मेड़ के मिट्टी में रासायनिक खाद ना होला आ खेत के मिट्टी में रासायनिक खाद होला, यही से मेड़ की मिट्टी डलाई। हाँ अच्छा दीदी, देखी भैया बाएं से दाएं हम घोल मिलावतानी। अच्छा दीदी, ये घोल बाएं से दाएं काहे मिलावतानी? दोहिने से बाएं घुमावला से कीटाणु मर जाइए सन, बावे से दोहिने घुमावला से कीटाणु सुरक्षित रहिए सन। अच्छा दीदी, घोल के कौन मिनट तक ले घुमाओ के बा? 2 मिनट तक। अच्छा दीदी, देखी भैया ले ये घोल तैयार हो गई, अब एकरा के उठा के ले के हम छाहा में रखे, छाहा में हम घोल रख देतानी। ठीक बा दीदी। देखी भैया घोल बन गई, आ बनने के बाद में हम जूट के बोरा से ढक दे। अच्छा दीदी, ये ढके के बा? हाँ, हम जूट के बोरा से ढक दनी, सुबह शाम के 2-2 मिनट के बावे से दाए घुमाओ के बाद। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी, ये हमारा समझ में नहीं लग, जूट के बोरा से काहे ढकनी है? देखिए भैया, जूट के बोरा से ऐसे ढकले बानी आ कि एमे गस बनेला, आ गस जब बनेला तो जूट के बोरा के छेद से बाहर निकल जाला। अच्छा दीदी, एमे जूट के बोरा में छेद होला, एमे से गैस निकल जाला? हाँ। जीवामृत बनावला से ऐसे का लाभ बा? जीवामृत बना के घोल बनावला से कीटाणु के बढ़ोतरी होला, जमीन के शक्ति मिलेला आ फसल में के हरा भरा रहेला। अच्छा दीदी, एमे कोनो सावधानी हो बा? देखी भैया, दहिने से बावे घुमावे से कीटाणु मर जाइए सन, आ बावे से दहिने घुमावे से कीड़ा कीटाणु के सुरक्षित मिलेला। जौन घोल बनल बा ओकरा के छाहा में 2 दिन तक राखे के बा, हामा में रखला से कीटाणु मर जाला सन। एक हफ्ता के अंदर ये जो घोल बनल बा ओकरा के छिड़काव कर देवे के बा। किसान दीदी भैया लोग के कोनो संदेशो दे? सभी दे ये किसान भैया दीदी लोग के हमार विनती बा कि जीवन मित्र घोल बना कर अपना फसल में छिड़काव करें आ सुरक्षित रहे। दीदी हमरा के बहुत अपन कीमती समय दहनी और जीवा मित्र बनाओ के हमरा के विधि बतौनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।